झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन आज सुबह दुर्गा सोरेन की जयंती के अवसर पर रांची के नामकुम के लोवाडी स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर मंत्री जगन्नाथ महतो, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक सीता सोरेन एवं अन्य ने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन में यहां के वीर सपूत निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो सहित हजारों आदिवासी मूलवासियों ने अहम भूमिका निभाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक ऐसा समूह है, ऐसे राजनीतिक दल कह ले, सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा कह ले। आदरणीय गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब नींव रखा उस समय हम लोग के बीच में शहीद निर्मल महतो जी हुआ करते थे, विनोद बिहारी महतो जी हुआ करते थे, अनेकों ऐसे लोग हुआ करते थे। एक लंबा संघर्ष यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का जल जंगल जमीन को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने एक लंबा संघर्ष करते हुए, एक अलग राज्य की परिकल्पना लेते हुए एक अलग राज्य की स्थापना भी इन लोगों ने की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हालांकि इतने लंबे संघर्ष में कई ऐसे हमारे अगुआ साथी, हम लोगों के मार्गदर्शक, कोई हमारे पिता तुल्य, कोई हमारे बड़े भाई के समान लोगों ने अपना घर बार छोड़कर अपने आप को इस राज्य के जनमानस के लिए निछावर किया। आप देखते होंगे कई चौक चौराहों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनेक सिपाहियों की याद में लोग एकत्रित होते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती है, उनकी तस्वीर लगाई जाती है। और हमको लगता है कि साल के 365 दिन अगर हम देखें तो 365 दिन कहीं ना कहीं हम अपने शहीदों के प्रति समर्पित होकर उनको याद करते हैं। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हों, चाहे इस राज्य के मूलवासी आदिवासी जिन्होंने यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, उन सभी के मुझे लगता है झारखंड में जितने तो यहाँ के जनमानस के बीच से आंदोलनकारी निकले, सिपाही निकले, राज के लिए जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया, इतना बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं और देखने को मिलेगा। हर जगह, चाहे आप पलामू गढ़वा से लेकर संथाल परगना से लेकर, चाहे गोवा गोलीकांड हो, चाहे खरसवा गोलीकांड हो, अनेकों ऐसे यहां के आम लोगों ने राज्य के प्रति, यहां के मूलवासी आदिवासियों के प्रति हमेशा अपने आप को सजग रखा। लंबा संघर्ष के बाद राज हमें मिला, राज बनने के बाद राज को विकास करने का
जो सोच और सपना हमारे पूर्वजों ने देखा वो कहीं ना कहीं विगत 20 सालों में वो सपना टूटता सा महसूस हुआ, बिखरता सा महसूस हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि राज तो यहां के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया, लेकिन इसको राज चलाने वाले ऐसे लोग रहे जो राज अलग करने के घोर विरोधी रहे। तो वही कहावत है, अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है। बिल्कुल ये सब उन लोगों पे फिट बैठता है और बड़ी ताकत के साथ विगत 2019 में हम लोगों ने इस संकल्प के साथ राजनीतिक चुनाव को हम लोगों ने अंजाम दिया। कि अगर इन लोगों को सरकार से नहीं बेदखल किया जाएगा तो राज लेने का कोई मायने बचेगा नहीं। और अंतोगत्वा इस राज के जनमानस ने बड़ी ताकत और बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव में हमें सहयोग किया। आज इस राज में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का सरकार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।